बारा जनपद ऐसे हैं जहां पर बारिश की स्थिति काफी कम हुई है या सूखे की स्थिति है, लेकिन वहीं प्रदेश में गंगा नदी में उत्तराखंड में अत्यधिक बारिश होने के कारण बदायूं, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, इन जनपदों में गंगा नदी या घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह करके वहां पर बहुत सारे गांवों को बाढ़ की चपेट में लाई है। अगर प्रदेश के अंदर वर्तमान में देखेंगे तो 21 जनपदों के 721 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ आने के पहले ही माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ मैंने स्वयं भी संवाद किया था और मैंने सबसे उस समय जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया था कि वे स्वयं बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करते हुए पहले से इसकी तैयारी करें। गत वर्ष बाढ़ प्रदेश के बहुत सारे जनपदों में सितंबर और अक्टूबर माह में देखने को मिली थी। इस बार यह पहले ही हम लोगों को बाढ़ अगस्त माह में ही इन जनपदों में देखने को मिला। पहले चरण में सहारनपुर, सामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, बागपत, इन जनपदों में एक बार वहां बाढ़ आ चुकी है, लेकिन दूसरे फेज में कन्नौज है, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सभी जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन जनपदों में प्रदेश ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 7 कंपनियां, पीएसी की 8, यानी 15 बचाव की कंपनियां हमारी यहां पर बाढ़ से बचाव के लिए लगी हुई हैं और लगातार पीड़ित परिवारों को शासन के स्तर पर राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से अब तक अकेले अगर इन जनपदों में देखें तो 45,900 से अधिक ड्राई राशन के किट वितरित किए जा चुके हैं, 4,14,000 से अधिक लंच पैकेट और 2,600 से अधिक डिग्निटी किट भी वितरित किए गए हैं। आपने तो देखा होगा कि राशन के जो किट वितरित किए जा रहे हैं ड्राई राशन के, इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो चना भुजा के साथ ही उस परिवार को उसकी आवश्यकता के लिए दाल है, तेल है, मसाले हैं, इन सब को देने के साथ ही बरसाती ही उपलब्ध करवाया जा रहा है, अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 1101 बाढ़ शरणालय, 1504 बाढ़ चौकियां, 2000 से अधिक मेडिकल टीम गठित करके प्रदेश भर में 2040 नाव विकास और राहत कार्यों के लिए लगाई गई है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है, जिसमें 840 पशु चारा शिविर, 28 लाख से अधिक पशुओं को टीकाकरण की कार्रवाई प्रदेश के अंदर की गई है और साथ साथ प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी जो कार्रवाई की गई है वह लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रयास किया गया है कि समय से सर्वे करके जो फसलों को नुकसान हुआ है वहां पर समय पे इसकी रिपोर्ट शासन को आ जाए, जिससे बाढ़ से जिन किसानों ने अपनी फसल को खोया है उनको हम समय से मुआवजा भी उपलब्ध करवा सकें।
भाइयों बहनों, अकेले फर्रुखाबाद जनपद में 116 गांव गंगा नदी से और रामगंगा से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से लगभग 80,000 की आबादी प्रभावित है। इसमें 22 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध होंगे। आंशिक आवास 6 हैं, उन्हें इसका मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 70 झोपड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें भी कंपनसेशन देने के लिए आदेश दिए गए हैं। और साथ साथ विस्थापित परिवारों को भी बाढ़ शरणालय में ले जाकर के उनके लिए उचित व्यवस्था देने के निर्देश पहले ही शासन स्तर पर जारी हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर 52 चौकियों को जनपद में अब तक स्थापित किया गया है। 24 शरणालय बनाए गए हैं। 125 नौकाएं बाढ़ और राहत कार्य के लिए यहाँ पर लगाई गई है। पीएसी की फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की एक टीम यहाँ पर बाढ़ राहत कार्यों में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में यहाँ पर फर्रुखाबाद जनपद में अभी तक 22,000 से अधिक राहत किट वितरित हुए हैं और इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। त्रिपाल आदि भी 22,000 से अधिक वितरित किए गए हैं। वायरस पैकेट भी 15,200 से अधिक वितरित किए गए हैं, जिससे डायरिया हैजा आदि से बचाया जा सके। क्लोरीन की टैबलेट्स भी 78,600 से अधिक अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरित की गई है और 31,500 से अधिक लोगों को उपचार की सुविधा, 21 बाढ़ क्षेत्र में मेडिकल टीमें लगातार कार्य कर रही हैं, 6 टीमें सचल मेडिकल टीमें भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, एंटी स्नेक वैनम 1,403 वायल यहाँ उपलब्ध करवाई गई हैं और पशुओं के लिए भी टीकाकरण पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा बाढ़ शरणालय में और प्रभावित परिवारों को लंच पैकेट की व्यवस्था की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ के समय में मैं यहाँ के सभी बाढ़ पीड़ितों को इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आया हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रति उनकी पूरी संवेदना है। उन्होंने भी समय से इन सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं और आज इसीलिए मैं स्वयं भी फर्रुखाबाद, कासगंज और सांझापुर इन 3 जनपदों के दौरे पर आया हूं। कल भी मैं कुछ क्षेत्रों का दौरा करूंगा। अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभारी मंत्री भी उन क्षेत्रों में जाकर के राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के संपर्क में है। माननीय सांसद, माननीय विधायकगण निरंतर उनकी सेवा में तत्परता के साथ प्रशासन और पुलिस और बाढ़ राहत के लिए लगे हुए प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे किसी भी पीड़ित परिवार को अपने आप में वो असहाय महसूस न करें। मैं उन सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि शासन ने जनहानि पर तत्काल उस परिवार को 4,00,000 रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने इस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं कि इसके स्थायी समाधान का रास्ता निकलना चाहिए, जिससे हर वर्ष होने वाली जनधन की हानि को रोका जा सके।
मैं प्रशासन को एक बार इसके बारे में निर्देश दूंगा कि वह तत्काल इन क्षेत्रों का निरीक्षण करें और जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उस नुकसान के सर्वे तत्काल शासन को उपलब्ध हो, जिससे सभी पीड़ित किसानों को तत्काल हम मुआवजा उपलब्ध करवा सकें। आपदा के कारण जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है उन सभी को समय से मुआवजा, 24 घंटे से अधिक मुआवजा वितरण में नहीं लगना चाहिए, यह हम सुनिश्चित करेंगे। एक बार फिर से सभी बाढ़ पीड़ितों को समयबद्ध तरीके से अधिक से अधिक संख्या में राहत सामग्री उपलब्ध करवाएं और अगर लंबे समय तक बाढ़ है तो ड्राई राशन के किट महीने में 2 बार कम से कम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि एक ही बार हम दें, कम से कम 2-2 बार महीने में उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करें, जिससे पीड़ित परिवार आसानी से अपना भरण पोषण कर सके। सभी टीमों को सक्रिय होकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फरुखाबाद के जो भी प्रभावित परिवार हैं उन सब के प्रति मेरी पूरी संवेदना है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपदा के समय में उनके साथ खड़ी होकर के उन्हें हर संभव मदद करेगी। मुझे यही सब कहना, आप सब के प्रति कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना